हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आपका आपके चैनल स्पोकी ट्यूब हिंदी पर। तो बैठिए, डरिए और एंजॉय कीजिए रिकैप को एक नए अंदाज में, क्योंकि यहां डर का मजा ही कुछ और है। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को अपने ही पैर में नाइफ स्टैब करते हुए देखते हैं। फिर जब वो अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है, तब उसकी बेटी तांत्री उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी रोते हुए आगे बढ़ता है और फिर अपने कंधे पर नाइफ स्टैब कर देता है। तांत्री उससे पूछती है कि हो क्या रहा है, जिस पर वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक प्रेयर पढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक काफी डरावनी एंटिटी उसके पीछे नजर आती है, जो उसकी बॉडी को कंट्रोल करके उसे जलाकर उसकी जान ले लेती है। काफी सालों बाद हम तांत्री को स्कूल की डॉर्मेटरी में मूव होते हुए देखते हैं, जहां उसे कोई मदद मांगते हुए सुनाई देता है। अब जब वो अपने रूम का दरवाजा खोलती है, तो हम उसके कंधे पर एक डेमोनिक हार देखते हैं, लेकिन वो दूसरे स्टूडेंट्स फे और आस्था होते हैं। वो खुद को तांत्री से इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसे केयरफुल रहने के लिए कहते हुए वहां से चले जाते हैं। अब बाद में तांत्री को उसके कमरे में एक फोटो मिलती है, जिसमें 5 लोग होते हैं और उस फोटो के पीछे हेट यू लिखा होता है। तभी गलती से तांत्री के हाथ से वो फोटो गिर के बेड के नीचे चली जाती है, और जब तांत्री उसे निकालने की कोशिश करती है, वो दूसरी तरफ एक घोस्ट को देखकर बुरी तरह से डर जाती है, जो अगले ही पल गायब हो जाता है। इसके बाद हम आस्था को देखते हैं, जिसे उसके कमरे में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, और अचानक वो खुद को अपना ही गला काटते हुए देखकर चौंक जाती है। अब डिनर के दौरान तांत्री उनसे पूछती है कि क्या उन्हें यहाँ कभी कुछ अजीब नजर आया है, क्योंकि जब से वो यहाँ आई है, उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही है। वो उसे बताते हैं कि पिछले साल उनके 2 दोस्त अचानक गायब हो गए थे। उनकी एक फ्रेंड अरुण को उसके डैड ने पिक किया, जिसके बाद वो दोनों ही गायब हो गए, और उनके दूसरे दोस्त लूकी ने शायद सुसाइड कर ली है, क्योंकि उसके लॉकर से एक सुसाइड नोट मिला था, लेकिन उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है। तभी रेजा वहां आता है और फे उसको तांत्री से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब बाद में जब तांत्री नहा रही होती है, तब उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है। वो डरते हुए बाहर जागती है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता, लेकिन हमें उसके पीछे एक फिगर नजर आता है। तांत्री बात फिनिश करके वहां से चली जाती है और हम एक फीमेल फिगर को उसे फॉलो करते हुए देखते हैं। इसी दौरान फे को उसके रेडियो में से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई एक स्पेल चैंट कर रहा हो। अचानक उसके रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और जब वो चेक करने बाहर आती है, तो हम एक शेडो फिगर को दूसरे दरवाजे के पीछे से गुजरते हुए देखते हैं। तभी दरवाजा बंद हो जाता है, और जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है, तो दरवाजा लॉक होता है। वो किसी तरह दरवाजा खोलकर रूम के अंदर आ तो जाती है, लेकिन उसे खिड़की के पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो धीरे से खिड़की की तरफ बढ़ती है, जहां वो खुद को देखकर चौंक जाती है, जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है। दूसरी तरफ तांत्री अपने डैड की फोटो देख रही होती है, और उसे वो पल याद आता है जब उसके डैड ने उसे बताया था कि उसकी माँ ने उसके लिए एक नेकलेस छोड़ा है। वो अपनी माँ को याद करते हुए सो जाती है और अचानक एक दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां उसे लूकी नजर आता है। वो कह रहा होता है कि उसे अपने किए पर पछतावा है, और तभी उसे वही स्पेल सुनाई देने लगता है जो फे ने रेडियो में सुना था। वो अपने कान में एक टूल घुसा देता है, और यहाँ हम उस एंटिटी को देख पाते हैं जो उसे ये सब करने पे मजबूर कर रही होती है। लूकी रूम से निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक कुएं के पास आकर रुक जाता है, और जब वो मुड़ता है, तो वो एंटिटी उसे खुद को मारने को कहती है। तांत्री उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लूकी अपना गला काट देता है, और जैसे ही वो उस कुएं में गिरता है, तांत्री अचानक वापस अपने रूम में जागती है और अपने हाथों पर लगा हुआ खून देखकर चौंक जाती है। अब बाद में तांत्री को सच में उस कुएं में लूकी की लाश मिलती है, और वो महेश नाम के एक लड़के को उसे ऑब्जर्व करते हुए देख वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फे काफी डरी हुई है, और वो आस्था को उसके पिछली रात के एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। आस्था उसे इसके बारे में ज्यादा ना सोचने की सलाह देती है, और तभी तांत्री को वहां से जाता देख आस्था उसे उन्हें ज्वाइन करने को कहती है। आस्था कहती है कि उसने सुना है कि लूकी की बॉडी उसने ढूंढी है, जिस पर तांत्री बताती है कि उसे ये सपने में दिखा, और आस्था पूछती है कि अगर वो लूकी की बॉडी ढूंढ सकती है, तो क्या वो अरुण का पता भी लगा सकती है। अब बाद में महेश तांत्री को रोकता है और पूछता है कि उसे लूकी की बॉडी के बारे में कैसे पता चला। रेजा उसे पीछे धक्का देता है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन आस्था उन्हें रोकती है और रेजा को वहां से ले जाती है। इसके बाद वो चारों आरुम के घर जाते हैं, जो कि लॉक होता है। अब जब वो अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, तब अचानक एक घोस्ट तांत्री के सामने अपीयर होता है, जिससे डर कर तांत्री वो खिड़की तोड़ देती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। रेजा फे को वहां बुलाता है, जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए अपना स्कार्फ उसके हाथ में बांध देती है। तभी आस्था को एक दरवाजा खुला मिलता है, और वो बाकियों को बताती है कि उसे अंदर जाने का रास्ता मिल गया है। वो सभी घर के अंदर आते हैं और पाते हैं कि वहां सभी ड्रॉर्स और कबर्ड्स खोले पड़े हैं, और रेजा कहता है कि ये महेश ने किया होगा, जो यहाँ कुछ ढूंढने या सबूत मिटाने आया होगा। इसी दौरान
तांत्रिक ट्रांस में चली जाती है और उसे वहाँ एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। उसे फॉलो करते हुए तांत्रिक आरुम के रूम में आती है, जहाँ एक बेड अपने आप मूव हो जाता है जिसके नीचे रिवील होता है एक सिंबल, और जैसे ही तांत्रिक उसके सामने घुटने टेकती है वहाँ एक बुक अपीयर होती है। इधर फे नोटिस करती है कि तांत्रिक उनके बीच नहीं है, और दूसरी तरफ हम तांत्रिक को उस बुक से वही स्पेल पढ़ते हुए देखते हैं। तभी आस्था उसके कंधे पर हाथ रखती है जिससे तांत्रिक ट्रांस से बाहर आ जाती है। अब उन्हें समझ आता है कि वो सभी कर्स्ड हैं और वो आरुम थी जो उन सभी को हर्ट करना चाहती थी। आस्था पूछती है कि वो इसे कैसे रोक सकते हैं, जिस पर तांत्रिक कहती है कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। आस्था कहती है कि जब से वो आई है तब से ही ये सब शुरू हुआ है, वो ही सबको लेकर यहाँ आई और उसी ने स्पेल ढूंढ निकाला, और फिर भी उसे लगता है कि उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। आस्था कहती है कि वो चुनी गई है जो इस स्पेल को रोक सकती है और उन्हें अभी इस रिचुअल को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तांत्रिक कहती है कि वो मरे हुए को वापस नहीं ला सकते, इसलिए ये सब करना बेकार है। लेकिन जब फे उससे रिक्वेस्ट करती है तो तांत्रिक कोशिश करने को तैयार हो जाती है। वो उन सभी के हाथों में कांच का एक टुकड़ा देती है, और जब वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो उनके हाथ कट जाते हैं जिससे उनका खून उस सिंबल पर गिरता है। इसके बाद तांत्रिक एक बार फिर ट्रांस में चली जाती है और स्पेल पढ़ने लगती है। वो तीनों भी उसके पीछे वो स्पेल पढ़ने लगते हैं। वो एंटिटी कहती है कि तांत्रिक उसकी हेल्प डिजर्व नहीं करती, और उसने जो अभी किया उसकी वजह से उन पर एक कर्स एक्टिवेट हो गया है जिससे वो डेविल के गुलाम बन गए हैं। इसके बाद वो एंटिटी उनके सामने आती है और बताती है कि उसने 5 सिनर्स पर कर्स एक्टिवेट कर दिया है। वो कहती है कि वो उनकी वाइफ, डॉटर्स और वंशजों को जिंदगी भर हॉन्ट करती रहेगी जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। लेकिन अगर तांत्रिक खुद को उसे सौंप देती है तो वो इस कर्स को हटा और रोक सकती है। तांत्रिक उस एंटिटी से ये सब रोकने की भीख मांगती है और पूछती है कि वो और कितनी लोगों की जान लेना चाहती है, जिस पर वो एंटिटी तांत्रिक से कहती है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है और वो उससे उसका सब कुछ छीन लेगी। इसके बाद वो आस्था के कहने पर उसे उसके घर छोड़ देते हैं, और तांत्रिक रेजा से कहती है कि उन्हें अभी भी कई सवालों के जवाब नहीं मिले, जैसे आरुम का स्पेल लूकी पर ही क्यों रुक गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि आस्था अपने अंकल की शर्ट का एक टुकड़ा और उसकी दाढ़ी के कुछ बाल कलेक्ट कर रही है। अचानक वो जाग जाता है और उसे पूछता है कि वो उसके टेक्स्ट का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही थी। वो कहता है कि वो उसके बिना काफी लोनली फील कर रहा था, और तभी वो उसके हाथ में कैंची नोटिस करता है और पूछता है कि वो इससे क्या करना चाहती थी। वो उसके हाथ से वो कैंची छीन लेता है और उसके बाल पकड़कर उसे टेबल पर पटक देता है, जिसके बाद वो उसे सेक्सुअली हरास करता है। दूसरी तरफ जब रेजा फे और तांत्रिक को ड्रॉप करता है, वो उस एंटिटी को अपने कार के बैक कैमरा में देखकर पूरी तरह डर जाता है। फे और तांत्रिक वापस बाहर आते हैं, लेकिन जब तक वो रेजा तक पहुंचते वो एंटिटी वहां से गायब हो जाती है। अब बाद में फे अपने कमरे में काफी डरी हुई बैठी होती है, और तभी वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है और उसकी चीखों के साथ सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसी दौरान तांत्रिक फिर से ट्रांस में चले जाती है और अचानक आस्था के घर पर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि आस्था के अंकल का गला उसी के ऑक्सीजन पाइप से घोटा जा रहा है, और हम मिरर में उस एंटिटी को अंकल की हत्या करते हुए देखते हैं। अचानक तांत्रिक खुद को वापस अपने रूम में पाती है और अपने हाथ में ऑक्सीजन पाइप देखकर चौंक जाती है। वो सीधा आस्था के पास जाती है और उससे वो बुक मांगती है, और जब आस्था उससे वजह पूछती है तो तांत्रिक बताती है कि वो जानती है कि उसने अभी क्या किया। तांत्रिक देखती है कि फे और आस्था ने उस बुक का इस्तेमाल किया है, और वो उनसे पूछती है कि क्या वो जानते भी है कि वो क्या कर रहे हैं। वो उसे बुक देने से मना कर देते हैं, और फे तांत्रिक को बताती है कि आस्था के अंकल बचपन से उसे सेक्सुअली हरास कर रहे हैं, जिस वजह से उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। वो उसे ये भी बताती है कि आस्था प्रेग्नेंट हो गई थी और उसे एबॉर्शन कराना पड़ा था। आस्था तांत्रिक को वहां से जाने के लिए कहती है, जिस पर तांत्रिक कहती है कि वो उसके लिए कंसर्न है, लेकिन वो बुक लिए बिना यहां से नहीं जाएगी। आस्था पूछती है कि अगर वो उसे बुक नहीं देगी तो वो क्या कर लेगी, जिस पर तांत्रिक कहती है कि वो उसकी मदद नहीं करेगी। आस्था कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए भी नहीं, और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। अब उस रात एक लड़की की आत्मा तांत्रिक के रूम में आती है और उसके पास जाकर उसकी मदद मांगती है। अगले दिन महेश तांत्रिक के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे उस सर्कल से निकाल दिया गया है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे आरुम के केस के बारे में पता है, और बताता है कि ये सब उनकी गलती है। तांत्रिक पूछती है कि उन्होंने क्या किया, जिस पर वो बताता है कि रेजा और लोकी ने आरुम को सेक्सुअली हरास किया था। तांत्रिक ये जानकर शॉक हो जाती है, और महेश बताता है कि उसने सुना है कि उन दोनों ने शर्त लगाई थी कि कौन पहले आरुम के साथ सोएगा। रेजा शर्त जीत गया था और उसने आरुम की एक एक्सप्लिसिट फोटो क्लिक करके पूरे कॉलेज में फैला दी थी। इसी दौरान आस्था चौंक करने लगती है और सब उसके गले से निकले हुए कांच के टुकड़े को देखकर शॉक हो जाते हैं। फे उससे कहती है कि उन्हें घर चलना चाहिए, लेकिन आस्था मना कर देती है।
इधर महेश तांत्रिक को उसकी पिक्स दिखाता है जो उसने क्लिक की थी, और वो उन पिक्स में आरुम की आत्मा को उसके पीछे देखकर हैरान हो जाती है। इसके बाद आस्था, जो महेश को तांत्रिक के साथ देखकर जेलस हो रही थी, वो फे के साथ तांत्रिक के रूम में जाती है और तांत्रिक की फोटोज और उसके बाल ले लेती है। फे उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आस्था उससे कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड होने के नाते उसे उसको सपोर्ट करना चाहिए। बाहर महेश तांत्रिक को आरुम की फोटो दिखाता है और तांत्रिक उस फोटोज में आरुम के पीछे उस एंटिटी को देखकर हैरान हो जाती है। वो बताती है कि इस एंटिटी का नाम सुरुगाना है, और सीन शिफ्ट होता है आस्था पर, जो तांत्रिक के सामान का इस्तेमाल करके एक रिचुअल कर रही होती है। फे उसे दरवाजा खोलने को कहती है और अचानक दरवाजा खुलता है और हम आस्था को गुस्से में देखते हैं जो कि पजेस्ड लग रही होती है। अब इससे पहले कि फे कुछ समझ पाती, आस्था अचानक उसके बाल पकड़ लेती है और एक झटके में उन्हें उखाड़कर दरवाजा बंद कर देती है। फे डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सुरुगाना उसे फॉलो करती है। तभी रेजा फे को हवा में उड़ता देख हैरान हो जाता है और वो एंटिटी फे के फेस टू फेस आकर वो स्पेल पड़ती है और फे को कंट्रोल करके उसी के हाथों से उसकी आंखें निकलवा देती है। इस दौरान तांत्रिक महेश को उस बुक के बारे में बताती है। वो कहती है कि आस्था उस बुक को ढूंढ रही थी और इसीलिए वो उसे आरुम के घर ले गई थी। वो उससे पूछता है कि अभी वो बुक कहाँ है, लेकिन तभी तांत्रिक फिर से ट्रांस में चली जाती है और एक रिमोट लोकेशन में पहुंच जाती है जहां उसे किसी की चीखें सुनाई देती है। वो आवाज को फॉलो करते हुए बाहर आती है और ये देखकर डर जाती है कि 5 आदमी एक औरत को सेक्सुअली हरास कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि वो औरत उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है और उसे एहसास होता है कि औरत और कोई नहीं बल्कि सुरुगाना ही है। अब कुछ देर बाद तांत्रिक सुरुगाना को बाहर एक पेड़ के नीचे खड़ा देखती है जो एक बुक में उन 5 आदमियों के नाम लिख रही होती है। वो बुक को नीचे फेंकती है और अपने हाथ को काट देती है जिससे उसका खून उस बुक पर पड़ता है। अचानक वहां आग लग जाती है और सुरुगाना हवा में लेविटेट होते हुए उन 5 आदमी को श्राप देती है। वो कहती है कि चुनी हुई लड़की उसके डेविल की स्लेव बनेगी और वो 5 सिनर्स की बीवियों, बेटियों और उनके वंशजों को हॉन्ट करेगी जब तक कि वो मर नहीं जाते। इसके बाद वो ऊपर उठती है और वही स्पेल पड़ती है जिसके बाद उसकी बॉडी में आग लग जाती है। तांत्रिक अचानक वापस अपने रूम में जागती है जहां महेश उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तांत्रिक बताती है कि उसने उसे देखा, उसे कुछ लोगों ने जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ बारी बारी गलत काम किया। उसने उसे एक बुक में उन लोगों के नाम लिखते हुए भी देखा और शॉकिंगली उसमें से एक नाम तांत्रिक के दादाजी का भी था। महेश कहता है कि शायद वो कर्स रुक गया था, लेकिन आरुम ने लूकी से बदला लेने के लिए उसे फिर से रीएक्टिवेट कर दिया और उसे लगता है कि आरुम की आत्मा तांत्रिक से मदद मांगने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ सुरुगाना आस्था के पीछे अपीयर होती है और कहती है कि स्पेल ने उसे समन कर दिया है। अब कुछ देर बाद हम तांत्रिक और महेश को आरुम के घर पर देखते हैं, और जब महेश अंदर चेक करने जाता है सुरुगाना तांत्रिक के पीछे अपीयर होती है, लेकिन जब तांत्रिक पीछे मुड़ती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। सुरुगाना एक बार फिर तांत्रिक पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई अनदेखी फोर्स उसे ऐसा करने से रोकती है और अचानक महेश लौट आता है। तांत्रिक को एहसास होता है कि उसका लॉकेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और वो महेश को बताती है कि सुरुगाना आ चुकी है, लेकिन तभी खिड़की का ग्लास शैटर हो जाता है जिससे महेश इंज्योर होकर नीचे गिर जाता है। तांत्रिक उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके नेक पर एक ग्लास का टुकड़ा देखकर उसे लगता है कि वो मर चुका है और वो रोने लगती है। तभी उसे आरुम की आवाज सुनाई देती है और वो उसकी आत्मा को एक रूम की तरफ पॉइंट करते हुए देखती है। तांत्रिक उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उस समय पर पहुंच जाती है जहां अरुम एक रिचुअल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके डैड उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। वो उसे एक दूसरे रूम में चेन से बांध देते हैं और उसे समझाते हैं कि उन्हें उसे खुद को हार्म करने से रोकने के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। अचानक सुरुगामा के स्पेल्स की आवाज से वो कमरा भर जाता है और वो आरुम के डैड को हवा में उठाकर सीलिंग पर पटक देती है, और जब उनका ब्लड गिरता है तो आरुम उसे पी लेती है। तभी तांत्रिक ट्रांस से बाहर आती है और देखती है कि आरुम अभी भी जिंदा है। वो तुरंत ही उसे फ्री कराने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आस्था महेश की गर्दन पर चाकू रखकर वहां आ जाती है। तांत्रिक नोटिस करती है कि उसने आरुम का नेकलेस पहना हुआ है, जिसका मतलब उसे पता था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो आस्था को होश में लाने की कोशिश करती है ये कहते हुए कि वो जानती है कि वो महेश को नुकसान नहीं पहुंचाएगी क्योंकि वो उससे प्यार करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आस्था वो चाकू महेश की गर्दन में घुसाकर उसे मार देती है। अचानक आस्था होश में आती है और उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन वो एक बार फिर से पजेस हो जाती है और सुरुगामा उसे कंट्रोल करके उसके ही हाथों से उसका गला कटवा कर उसे भी मार डालती है। इसके बाद सुरुगामा आरुम को पजेस कर लेती है और उसे उसके बंधनों से आजाद कर देती है। फिर वो तांत्रिक को कर्ज करना शुरू करती है और कहती है कि अगर उसने अपने वंशजों के द्वारा इस कर्ज को ब्रेक करने की कोशिश की तो वो उसे फिर से कर्ज करेगी
और तब तक करेगी जब तक कि वो अकेली नहीं हो जाती और उससे दया की भीख नहीं मांगती। तांत्री आस्था का चाकू उठाती है और आरुम को दिल पर स्टैप कर देती है। वो आरुम से इसकी माफी मांगती है, लेकिन आरुम उसे इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। अब एक हफ्ते बाद जब तांत्री अपनी डॉर्मेटरी लौटती है तो उसे पता चलता है कि रेजा को सेक्सुअल वायलेंस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। तभी वार्डन वहां आकर उसे उसके डैड की फोटो देती है और कहती है कि उसने उस पर नया फ्रेम लगवा दिया है। तांत्री को याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी तब उनके पास उसे या उसकी मॉम को बचाने का ऑप्शन था, लेकिन उसकी मॉम उससे इतना प्यार करती थी कि उसने तांत्री को बचाने का ऑप्शन चुना। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे वो प्रेयर याद है जो वो उसके लिए पढ़ा करता था, और जब वो दोनों साथ में उस प्रेयर को पढ़ने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वही प्रेयर है जो तांत्री के डैड मरने से पहले उसकी प्रोटेक्शन के लिए पढ़ रहे थे। इसके बाद हम तांत्री को उस बुक के साथ देखते हैं जिसे वो फायरप्लेस में फेंक कर जला देती है। दूसरी तरफ फेस सेल्फ हार्म की वजह से एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। तभी उसे वो स्पेल सुनाई देने लगता है और उसकी आंखों में फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान स्पेल के इन्फ्लुएंस में रेजा अपना सर जेल के दरवाजे की बार्स पर पटक पटक कर खुद की जान ले लेता है। इसके बाद हम तांत्री को बस में देखते हैं जहाँ वो अपने हाथ में वो बुक देखकर चौंक जाती है, और जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि वो बस मरे हुए लोगों की आत्माओं से भरी पड़ी है। मूवी के एंड में हम एक औरत को आरूम के रूम में देखते हैं और जब वो मुड़ती है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है और हमें समझ आता है कि ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और डरावने रिकैप्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे एक नए रिकैप के साथ। तब तक के लिए स्टे स्पूकी।